लोगों के दिल में अगर आपको दो स्क्वायर फुट का, दो सेंटीमीटर का जगह चाहिए तो वो मिलता है ऐसी फिल्में करने से। सिर्फ इस देश की नहीं, दुनिया में हमारी और जगह भी फिल्म रिलीज़ हो रही है। अगर हम लड़कियों को सेव कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो अगर ये इतना लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो करियर तो इन अ गुड वे चेंज होगा। ऑफकोर्स उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। लोग 100 करोड़ के लिए, 100 करोड़ बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं, ये लोगों ने 100 करोड़ को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाया। तेलुगू में अभी डब 200 स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही है, तो आई थॉट वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है थिएटर में विजिट करके। बड़े बड़े लोग स्क्रीनिंग्स रख रहे हैं हमारी फिल्म के लिए। एंड मैंने अभी एक देखा अहमदनगर में, लड़कियां चिपका रही है अपने पैसे से खुद पोस्टर्स। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, पर इस फिल्म के लिए नहीं लगे, पर लोग फ्री में लगा रहे हैं। और एक आदमी बाइक पे बैठ रहा है और वो उल्टा ऐसे बैठ के पोस्टर्स पकड़ रहा है। पनवेल स्टेशन में लोग पोस्टर्स और होर्डिंग्स हमारे पकड़ रहे हैं। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा पब्लिक पीआर मेरी कर रही है हमारी फिल्म की, और क्या चाहिए, बहुत खुश है हम लोग। आई फील कि अगर यू नो, आप बड़े बड़े घर खरीद सकते हो बहुत पैसे के साथ, आप बड़ी फिल्म बना सकते हो पैसे के साथ, पर लोगों के दिल में अगर आपको दो स्क्वायर फुट का, दो सेंटीमीटर का जगह चाहिए, तो वो मिलता है ऐसी फिल्में करने से। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मोटिव वही था कि हमें उन लड़कियों की ट्रू स्टोरी सबके सामने लानी थी। बट ऑल सेड एंड डन, ऑफकोर्स अगर ये इतना लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो करियर तो इन अ गुड वे चेंज होगा। ऑफकोर्स उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे प्रोजेक्ट ऑनेस्टली काम करने के लिए। हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम, एंड मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म का पार्ट हो सकती हूँ। और मैं इस देश की, या ना सिर्फ इस देश की नहीं, दुनिया में हमारी और जगह भी फिल्म रिलीज़ हो रही है। अगर हम लड़कियों को सेव कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और इतना लोग पसंद कर रहे हैं और काम देख रहे हैं, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली काम जब देख ही रहे हैं लोग, तो काम पसंद आया ही है लोगों को और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस वही चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स फ्री करे तो खुशी की बात है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग देख पाएंगे, क्योंकि टिकट का कीमत कम हो जाएगा। हम तो पूरे देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे टैक्स कर माफ़ कर दे, मुफ्त में ये फिल्म दिखाए। कुछ कुछ लोगों ने तो बोला कि ये फिल्म को करिकुलम बनाना चाहिए, ये फिल्म को स्कूल के लोगों के बाद जब इसके हिसाब सिलेबस में दिखाना चाहिए, तो अच्छा ये लगता है कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें खुशी होगी। मतलब एक बहुत अच्छे पोस्टर देखा था कहीं पर कि लोग 100 करोड़ के लिए, 100 करोड़ बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं, और ये लोगों ने 100 करोड़ को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाया। ये सेटिस्फेक्शन है हमारी।